अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आलू के मदद से जिल को मुश्किल तौर पर सफ़ेद करना के मतलब कुछ टिप्स बताएंगे। परमानेंट स्किन वाइटनिंग विद द हेल्प ऑफ पोटैटोज, ये कोशिश डॉक्टर मोहम्मद शौकत हुसैन की प्रेजेंटेशन है शाइन टीवी की। इसलिए शाइन टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को एक्टिवेट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके लिए मैं आपके शुक्रगुजार होंगे। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। आलू एक ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाती है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, पूरी दुनिया के लोगों को पसंद है। इसका एक अनोखा इस्तेमाल ये है कि आलू की मदद से जिल को बेहतर किया जा सकता है। आज मैं आपके लिए चार स्टेप पे मुश्तमिल नेचुरल फेशियल टोटके लेकर आया हूँ, जो आपके चेहरे को डार्क स्पॉट, सन टैन और स्किन वाइटनिंग के लिए मददगार साबित होंगे। इस नेचुरल फेशियल को बनाने वाले अज्जा आपके घर पर आमतौर पर पाए जाते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी तफसील ये है कि 2 चम्मच आलू का जूस, 3 से 4 कतरे नींबू का रस, 1 चम्मच कच्चा दूध। तरीक़ाकार ये है कि इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अपने चेहरे को इस मिक्सचर से अच्छी तरह साफ़ करें। अच्छा, चेहरे की स्क्रबिंग, इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, 1 चम्मच आलू का पेस्ट, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा करके इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह चेहरे के स्क्रबिंग करें। इस स्क्रबिंग के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर जो मुर्दा जिल होते हैं वो हट जाती हैं। चेहरे का मसाज, इसके लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ेंगी वही इसकी तफसील यूँ है कि 2 चम्मच आलू का जूस, 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अपने चेहरे पर लगा करके इसे 10 से 15 मिनट तक आपने अच्छी तरह मसाज करना है। ये आपके चेहरे के डार्क स्पॉट को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। चेहरे का मास, इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत है इसकी तरफ से लिए कि 1 से 2 कप आलू का जूस, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 से 3 कतरे नींबू का रस और टिश्यू। अगर आपकी स्किन हसास है तो आप इसमें नींबू शामिल ना करें, बाकी अज़ा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें सादा टिश्यू डाल करके डाल दें, जब टिश्यू सारा पानी चूस ले तब इसको निकाल के अपने चेहरे पर लगा लें। आपने टिश्यू 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने देना है। 20 मिनट बाद आपने इस टिश्यू को अपने चेहरे से हटा लेना है। अपने चेहरे को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेना है।